सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज थ्री स्टूडेंट्स इज द अटर एंड एब्सोल्यूट एपथी ऑफ द आम आदमी पार्टी रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज थ्री स्टूडेंट्स इज द अटर एंड एब्सोल्यूट एपथी ऑफ द आम आदमी पार्टी रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली। द क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन ऑफ द आम आदमी पार्टी इन दिल्ली हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ दीज थ्री स्टूडेंट्स। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी MCD भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूँगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 24 जुलाई, 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है?